अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड के सबसे चहेते जोड़ों में से एक है। उनकी शादी को 16 साल से अधिक का समय हो चुका है और वो बेटी आराध्या बच्चन के माता पिता है। ये कपल अलग अलग मौकों पर अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखना पसंद करता है। हालांकि फैंस तब चिंतित हो गए जब हाल ही में अभिषेक को अपनी शादी की अंगूठी के बिना देखा गया। इससे पहले एक पुराने इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये खुलासा किया था कि उनकी और अभिषेक की रोजाना लड़ाई होती है। दरअसल वोग इंडिया के साथ 2010 में एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने हर दिन झगड़े होने की बात को स्वीकार की थी। ऐश्वर्या ने झगड़ा कहा था और अभिषेक ने उसे झगड़े को असहमति कहा था और असहमति कहकर बयां किया था। इसी के बारे में ऐश्वर्या ने फ्यूचर को बताया था कि हर दिन लड़ाइयां होती हैं। अभिषेक ने फिर तेजी से बोलते हुए साफ किया था कि वो झगड़े नहीं बल्कि किसी और चीज पर असहमति है। वो गंभीर नहीं होते हैं बल्कि हेल्दी होते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। अभिषेक बच्चन ने इस बारे में भी इस बात को बात करते हुए बताया था कि वो अपनी असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वही हो जो कि होना चाहिए, वो यही है कि जब लड़ाई हो तो उसके बाद माफी मांग लेते हैं, पहले उसे सुलझाते हैं और फिर सोते हैं। उसने ये भी सवाल किया था कि चीजें कौन सही करके सोता है। अभिषेक ने कहा, मैं करता हूँ क्योंकि महिलाएं नहीं करती, लेकिन हमारा एक नियम है कि हम लड़ाई करके नहीं सोते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधा समय हम माफी मांगने के कारण यही बता देते हैं कि हमें बहुत नींद में हूँ, मुझे सोने जाना है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। महिलाएं हमेशा महान होती हैं और वो हमेशा सही होती हैं। जितनी जल्दी पुरुष इसे स्वीकार कर लें उतना ही बेहतर होगा। इसमें कोई फर्क ही नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ता है कि आप क्या कहते हो। भले ही आपके पास हो सबूत हो, लेकिन उसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है, क्योंकि महिलाएं महिला होती हैं। वैसे आपको ऐश्वर्या और अभिषेक की ये चटपट बातें कैसी लगी? ऐश्वर्या राय और अभिषेक की अगर हम बॉयफ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस ने 4 साल बाद कोरियल सेल्वन फ्रेंचाइजी के साथ वापसी की थी और दर्शकों को एक बार फिर से प्रभावित किया था। और वही उनको हाल में कैन 2024 में शिरकत करते हुए देखा गया। ये फिल्म निर्माता थे मणिरत्न द्वारा डायरेक्ट थी। फिल्म में उन्होंने पुजवर इलाया रानी और नंदिनी देवी की भूमिका निभाई थी। वही अभिषेक बच्चन को आर बाजू का स्पोर्ट्स ड्रामा भी मजबूत देखा गया था, जो कि उनके अपोजिट से यमी खेर नजर आए थे। वैसे आपको इन दोनों की गपशप बातें कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम लोगों की सबको जानकारी जुड़े हमारे साथ।